एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि पहाड़ पहाड़ नज़र आ रहे हैं। वेल, आज मैं अपने गांव आ रखी हूँ और इस वीडियो में मैं आपको अपने गांव का पूरा फुल टूर दूंगी। मेरे गांव का नाम है गवाणा, ये सतपुली के पास पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। तो यस, आज मैं आपको पूरा का पूरा अपना, मतलब सबसे पहले तो मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी, जो मेरा पुश्तैनी घर है गवाणा में। तो लेट्स सी, ये है हमारा घर का एंट्रेंस, यानी हमारे घर का गेट। थोड़ा पुराना है पर बहुत अच्छा है। ये है हमारा घर का नीचे का आंगन, काफी बड़ा है, ट्रायंगुलर शेप में है, क्योंकि पहाड़ों में कोई बेसिक शेप तो होता नहीं है, जैसे भी मिल जाए वैसे भी आंगन बना देते हैं। यहाँ पर सीट में बैठने के लिए भी काफी अच्छी जगह है, आप बैठ सकते हैं, अच्छे से व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर तो खैर पेड़ पूड़ लगे हुए गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ना, पहाड़ों में आप देखेंगे हर जगह पर हर घर में एक ऐसा होल होगा। क्यों? क्योंकि जब भी शादी वगैरह होती थी तो हल्दी जो है ना इसी छेद में रख करके कूटते थे। तो अभी तो ये गंदा हो रखा है क्योंकि बहुत सालों से यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ से जो है ना, यहाँ से अगर आप व्यू देखेंगे ना, आपको लगेगा कि क्या स्वर्ग है, क्या स्वर्ग है मेरा गाँव। ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, पहाड़ पेड़। ये हमारा घर का नलका है, मतलब यहीं पर ही हमारा पानी भी आता है। गनीमत की बात यह है कि इसमें पानी भी आता है, इतना पुराना हो गया। काफी शुद्ध पानी होता है पहाड़ों का, इसको पानी और यहीं पर ही जो है कपड़े धोए जाते थे, यहीं पर ही बर्तन कपड़े यहीं पर ही धोए जाते थे पुराने जमाने में। कपड़े नहीं यार, बर्तन धोए जाते थे, बर्तन धोते हैं, बर्तन। हमारा स्पेशलिस्ट है तो ज्यादा पता नहीं। बाहर का जो गार्डन बोलते हैं ना जिसे, ये वही है, मतलब लकड़ियां लकड़ियां रखने के लिए ऐसे कह सकते हैं। अगर हम चले इस तरफ को देख सकते हैं कि नीचे को भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है, खटिया हमारी रख रखी है बैठने का इंतजाम, कुर्सियाँ रखी हुई है, दरवाजे हैं, बहुत ही छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, पता नहीं क्यों, ये तो मुझे भी पता नहीं है, पर छोटे दरवाजे होते हैं पहाड़ों में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो है ये हमारा किचन है, बचपन में जब हम गांव आते थे तो यहीं पर ही खाना बनता था। अभी तो इसमें ताला लगा हुआ है, अभी ताला खोल के दिखवाएंगे आपको। इधर अगर मैं आपको ले चलूँ तो ये हमारा ना देसी गढ़वाली वाली चिमनी है, मतलब लकड़ी डाल करके आग जला करके यहीं पर ही आग सेकते थे। अब ये तो हो गई हमारी चिमनी, अब हम जाते हैं अपने घर की तरफ। एंट्रेंस यहाँ से भी है, सीढ़ियाँ वहाँ से भी है, लेकिन हम यहाँ से चल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इतना डर लगता है यहाँ से जाने में भी कि कहीं पता चल रहा है नीचे चले गए हम सट से। आप देख सकते हैं पहाड़ों में ना एक चीज कॉमन होती है कि या तो फिर ये ग्रिल्स होती नहीं है, सेफ्टी ग्रिल्स, या तो फिर होती है तो बहुत ही नीचे नीचे होती है, मुझे भी नहीं पता क्यों, पर होती है ऐसे ही कुछ है। अगर हम इधर चले तो कोई नहीं, इधर है हमारा फर्स्ट कमरा जिसमें गाने भी चल रहे हैं अभी फिलहाल। अब आपको मैं एक बेसिक टूर दे रही हूँ कि ये क्या है। अगर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा कमरा टाइप है, हॉल टाइप है। यहाँ पर बेसिकली सारे के सारे बड़े गैदर होते थे और बक्से बक्से सामान भी थोड़े थोड़े इधर रखे जाते थे। इसे कहते हैं पहाड़ी अलमीरा, इसमें हम मतलब खाना पीना वगैरह स्टोर करते हैं। अगर हम यहाँ से अंदर जाएँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत ही सारा माल रखा हुआ। एंड द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड आफ्टर कमिंग हियर इज दिस यार, जस्ट टेक अ लुक एट दैट, कितना यूनिक लग रहा है यार, मतलब वाह, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहाड़ों में भी, मतलब पहाड़ के घरों में
ऐसी कैसी मतलब ऐसे टाइप का एक वेंटिलेटर हो सकता है जिसमें ऐसी यूनिक सी शेप वाली जाली लगी हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल वेंटिलेशन है, खिड़की भी दे रखी है, ऊपर से भी वेंटिलेशन है। एंड अगर हम इस वाले कमरे में जाएं, ठीक है, इस वाले कमरे में हमने अपना बेड रखा हुआ है एंड ये है हमारी बालकनी। तो ये जो है बालकनी, ये जॉइंट है आगे से, मतलब सीढ़ियों से। यहाँ पर चीज़ें रखने के लिए स्पेस दी गई है, आप कुछ भी रख सकते हैं और उसके बाद उसे कर्टेंस बना करके हाइड भी कर सकते हैं। मतलब उस टाइम के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न घर था, हैंगर लगे हुए हैं, मतलब मैंने और किसी के घर देखे ना तो मिट्टी से लिपे हुए हैं, पत्थर वाली छत है, लेकिन हमारा ऐसा पक्का घर जो कि मेरे दादाजी ने बनाया था, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कितना अच्छे तरीके से बनाया है। एंड अगर हम बाहर जाएं तो यू कैन सी कि यही था हमारा छोटा सा प्यारा सा घर। चलो अब मैं आपको बालकनी में ले जाती हूँ, चलो। मतलब मिनी बालकनी जिस पे आप चल रहे थे अभी, लेकिन ये है मेन बालकनी टाइप। तो आप देख सकते हो कि बालकनी भी है, सब कुछ है मतलब, और बालकनी से ये जुड़ता हुआ रूम भी है, तो प्राइवेसी का फुल ध्यान किया हुआ है। एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पर एक टॉयलेट भी था, लेकिन अब ये थोड़ा सा कच्चा हो गया इसलिए दरार भी पड़ गई है यहाँ पर, क्योंकि बहुत पुराना मकान है ये। अब मैं आपको ले जाती हूँ अपने घर के छत पे। ये ना छत वाली एरियाज ना मुझे बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि उसके साइड साइड में अलग है। हाँ, हमारे पहाड़ों के घरों में ना एक खास बात होती है कि छत में ना आप बिल्कुल ओपन व्यू जो है पूरे हिल्स का, मतलब पूरे चारों तरफ से पहाड़ियाँ घिरी हुई हैं एंड धूप आ रही है और सनसेट का व्यू यहाँ से बहुत मज़ा आता है देखने में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जो है ग्रिल्स नहीं होती, सो देख सकते हैं आप कितना अच्छा व्यू है, मस्त व्यू ना। हवा भी यहाँ पर से बहुत ही अच्छी आती है। वो रहा हमारा परदादा जी का घर, वो जो मेरे परदादा जी ने बनाया है असली में। तो एक चीज़ देखो, वो सोलर प्लांट्स, उधर सोलर प्लांट्स भी लगे हुए हैं, पूरा ढक रखा है वो जो दिख रहा है पाँच पाँच का। तुम दोनों के परदादा जी सेम ही है, ठीक है? हैं? देखो तुम दोनों भाई तो है। भाई है? भाई यार। सच्ची में कसम से। अरे ये छन्नी होती है, यहाँ पे गायों को रखा जाता था। आपको कैसे पता चला? तो जैसे आप देख सकते हैं कि छत बहुत ही पास पास है, तो कूदने में मजा आती है, टाप करके जा सकते हैं, कूदने में बड़ा मजा आता है। बचपन में मैं भी कूदता था, लेकिन मुझे डर लगता था जब मैं तुम्हारे जितना छोटा था। और जैसे आप देख सकते हैं ऐसे ये है छन्नी, इसे बोलते हैं, इस टाइप के फिगर को बोलते हैं छन्नी। छन्नी वो जगह होती है जहाँ पर गाय और भैंसों को रखा जाता है। एंड जैसे कि आप देख ही सकते हैं आसपास घास बिखरी हुई है, तो ऑब्वियसली घास मतलब गाय और भैंस रहते हैं। इधर देख सकते हैं कि छन्नी की भी बनावट इतनी यूनिक है। पत्थर देखिए, पत्थर रखने का एक स्किल होता था पुराने ज़माने में, तो अगर उस प्रॉपर स्किल से पत्थर ना रखे जाएँ तो वो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो अगर आपको ऐसी छत बनवानी है तो हर किसी की बात नहीं है ऐसी छत बनाना। एंड यू कैन सी हियर कि कोई मार्बल्स नहीं लगे, सारा का सारा काम पत्थर मिट्टी का ही है। और ये जो पेंट दिख रहे हैं ना आप, ये पेंट भी जो है ऑर्गेनिक है, मतलब केमिकल्स वाला नहीं है। ये सीढ़ियाँ जो है पत्थरों की बनी हुई हैं। सो यस गाइज, यही था मेरा घर का होम टूर। अगर आपको मेरा पुश्तैनी घर पसंद आया हो और मेरा व्लॉगिंग का वे पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।